हेलो गाइज, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस नए वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप जो है करवा चौथ का बैनर डिजाइन कैसे कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन के पिक्सल लैब से। यहां मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ये जो डिजाइन है अपने मोबाइल फ़ोन के पिक्सल लैब से कैसे बना सकते हो। तो यहाँ पर जैसा कि आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो, मैंने कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप ये जो डिज़ाइन देख रहे हो, इसका जो PLV फाइल, इसका जो PNG है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन इस डिज़ाइन को कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो उसके लिए आपको यहां पे इस वीडियो को देखना पड़ेगा। वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कैसे क्या करना है, इस डिज़ाइन को कैसे बनाना है, कैसे PLV फाइल को ओपन करना है, कैसे PNG को ओपन करके सेट करना है, वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पे दोस्तों आप जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आपको यहां पे जो पासवर्ड मिलेगा, पासवर्ड आपको वीडियो में तीन जगह पर बोल के बताया जाएगा। पासवर्ड एक है, पासवर्ड दो है, पासवर्ड तीन है। तो अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे आपको पासवर्ड नहीं मिल पाएगा, तो आप इस बैनर को नहीं बना पाओगे। तो चलिए अभी के लिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे आपको डिज़ाइन को बनाना है वो आप यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे जो डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको अपने पिक्सल लैब में आना है। जैसा पाओगे आपका एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले साइड में 3 डॉट का ऑप्शन क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन यूज इमेज फ्रॉम गैलरी वाला सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे आप अपने गैलरी में आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो अपने उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपने फोल्डर डाउनलोड किया रहेगा मेरे लिंक से। तो फोल्डर का नाम रहेगा करवा चौथ करके, यहाँ पे आपको उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का PNG देखने के लिए मिलेगा, साथ में PLV फाइल भी मैंने दे दिया हुआ है। जिन लोगों को PNG ओपन करके बैनर को डिजाइनिंग करने नहीं आता है, वो लोग PLV फाइल को ओपन करके बैनर को बना सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए अभी अपने बैनर का जो बैकग्राउंड उसको क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर एक जो न्यू टेक्स्ट आ चुका है पासवर्ड 1 है, एक ही ऑप्शन पर जाकर इसको डिलीट कर देता हूँ। प्लस की ऑप्शन क्लिक करके फ्रॉम गैलरी जाता हूँ और यहाँ पर चलिए एक एक PNG को फटाफट ओपन करके मैं सेट कर लेता हूँ, जो भी सारा मैंने PNG दिया हुआ है। चलिए वो सारे PNG को एक एक करके ओपन करके यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगा। आपको वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखते रहना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपको पासवर्ड नहीं मिल पाएगा, तो आप इस बैनर को डिजाइनिंग नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। चलिए मैं अभी के लिए जो भी सारा PNG मैंने दिया हुआ है, चलिए वो सारे PNG को ओपन करके यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे लगभग मैंने जो भी सारा PNG दिया हुआ था आप लोगों को बनाने के लिए, वो सारे PNG को मैंने ओपन कर लिया हुआ है। यहाँ पे जो करवा चौथ का टेक्स्ट का PNG, इसको भी मैंने ओपन किया और यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन पे जाना है, चले जाना है यहाँ पे इरेज कलर पे, इसको इनेबल कर देना है। टॉलरेंस को थोड़ा सा बढ़ा देना है, फुल भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऊपर राइट के ऑप्शन क्लिक करके चले जाना है कलर फिल्टर के ऑप्शन पर, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट थोड़ा थोड़ा बढ़ा देना है कुछ इस तरीके से। बढ़ाने के बाद आपको ऊपर राइट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, चले जाना है कलर के ऑप्शन पर, जो भी कलर आपको चाहिए इसको इनेबल करके कलर को क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ग्रेडियंट कलर कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने यूज किया था वो मैंने ये रेड कलर वाला यूज किया था। तो मैं प्लस के ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पे मैं चलिए बना लेता हूँ इसको कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ए वाला मैं पोजीशन लूँगा और नीचे मैं ओके कर देता हूँ, ऊपर मैं राइट के ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे वो कलर लेने के बाद साइज आपको छोटा कर लेना है, यानी जगह आपका जैसा है उसके हिसाब से साइज रखना है। यहाँ पे आप इस फोटो को थोड़ा छोटा बड़ा आप रख सकते हो और यहाँ पे आपको इसको सेट करने के बाद चले जाना है कलर के ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको ग्रेडियंट कलर पे जाना है, यानी सॉरी स्ट्रोक वाला, जो मतलब इसका आउटलाइन कलर है वो उस पर जाना है। इसका नाम है स्ट्रोक करके, यहाँ पे अगर मैं आपको बैक आके दिखाऊं तो देख सकते हो स्ट्रोक नाम है, इसको क्लिक करके इनेबल करना है। इनेबल करते ही इसमें व्हाइट कलर का स्ट्रोक आ जाएगा, स्ट्रोक आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा यानी कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद ऊपर राइट के ऑप्शन क्लिक करके चले जाना है शैडो के ऑप्शन पर, इसको इनेबल करना है। इनेबल करते ही आपको इसमें ब्लैक कलर का शैडो आ जाएगा। अभी आपको ब्लर रेडियस को थोड़ा सा कम करना है कुछ इस तरीके से, ऑफसेट एक्स ऑफसेट वाई को थोड़ा थोड़ा बढ़ा देना है कुछ इस तरीके से, और कलर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है जो भी शैडो में कलर देना है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं अभी ये ब्लू कलर सेलेक्ट करके ऊपर मैं राइट कलर क्लिक करता हूँ, देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो आप यहाँ पे अपने पसंद का जो भी कलर है वो आप यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको स्ट्रोक कलर देना है वो स्ट्रोक कलर सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है। इतना काम करने के बाद अभी मैं आपको यहाँ पे अपना बैनर ओपन कर एक बार दिखा देता हूँ। चलिए मैं अपने फोल्डर में आके मैं अपना बैनर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे उसके नीचे मैंने लिखा हुआ कि हार्दिक शुभकामनाएं, तो ये लिखने के लिए आपको प्लस के ऑप्शन क्लिक करके टेक्स्ट को सेलेक्ट करके नया टेक्स्ट लेना है। एक ही ऑप्शन पर जाना है, एडिट के ऑप्शन पे जाना है, जो भी लिखा है उसको कट कर देना है। और यहाँ पे अभी आपको अपने कीबोर्ड को हिंदी में करके जो भी लिखना है वो लिखोगे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए कि यहाँ पे लिख लेता हूँ हार्दिक लिखता हूँ, डन के ऑप्शन क्लिक करके मैं ओके कर देता हूँ और ये जो टेक्स्ट है इसको यहाँ पे लाता हूँ। यहाँ पर मैं चले जाता हूँ कलर के ऑप्शन पर, जो भी कलर आपको कलर पसंद है वो कलर सेलेक्ट करके ऊपर राइट के ऑप्शन क्लिक करना है। यहाँ पर आपको चले जाना है फॉन्ट के ऑप्शन पर, फॉन्ट के ऑप्शन पर जाने के बाद अभी आपको यहाँ पर जो भी फॉन्ट पसंद है यहाँ पर आप उस फॉन्ट को सिलेक्ट करोगे। चलिए जैसे मैं यहाँ पर जो है फॉन्ट का नाम सर्च करके देखता हूँ, यहाँ पर आ चुका है फॉन्ट, मैंने सेलेक्ट किया, नीचे मैं ओके कर देता हूँ।
और यहाँ पे भी इस फोन का जो मैं स्टॉक पे जाके स्टॉक में यहाँ पे मैं जो है वाइट कलर स्टॉक डाल देता हूँ इस फोन में, और ऊपर मैं राइट कैसन क्लिक करके इसका साइज थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। और यहाँ पे इसी तरीके से मैं इसी फोन का कॉपी ले लेता हूँ, एडिट के ऑप्शन पे जाता हूँ, जो भी लिखा गया इसको मैं कट कर देता हूँ, कीबोर्ड को हिंदी में करके यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं शुभकामनाएं। तो चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ शुभकामनाएं, डन के ऑप्शन क्लिक करके ओके कर देता हूँ। ये जो टेक्स्ट आ चुका है इसको मैं यहाँ पे लाता हूँ, और यहाँ पे आप अपने हिसाब से स्पेस के हिसाब से इसको बड़ा छोटा देख लीजिएगा। और यहाँ पे आपको अभी कलर के ऑप्शन दिया गया, इसमें कोई दूसरा कलर सेलेक्ट कर सकते हो या तो जो भी आपको कलर पसंद है वो कलर सेलेक्ट करोगे। ऊपर राइट के ऑप्शन क्लिक कर देना है, साइज आप देख लेना अपने स्पेस के हिसाब से, इस फोटो को आप छोटा बड़ा भी अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो जगह के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है, नीचे आओगे तो देखोगे मैंने एक शायरी लिखा हुआ है जो करवा चौथ के बारे में ही है, तो वो आप अपने हिसाब से कोई भी शायरी लिख सकते हो। लिखना कैसे है, जैसे मैंने आपको ये टेक्स्ट दोनों लिख के दिखाया उसी तरीके से लिखना है, तो मैं आपको वो लिख के नहीं दिखा रहा हूँ। उसके नीचे आते हैं, यहाँ पे देखोगे साइड में मैंने अपना फोटो लगाया हुआ है, नीचे अपना जो कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है पासवर्ड 3। तो यहाँ पे आपको अपना फोटो लगाने के लिए प्लस के ऑप्शन क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी जाना है। जाने के बाद यहाँ पे अभी आपको जो भी फोटो लगाना है यहाँ पे आप वो फोटो को ओपन करोगे। चलिए जैसे मैं अपना फोटो को ओपन कर लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, नीचे मैं राइट ऑप्शन क्लिक करके साइज में छोटा करके इसको मैं यहाँ पे लाके सेट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपको लगता है ना फोटो में थोड़ा सा लाइट ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा यूज करना है, तो इसको सिलेक्ट करके थर्ड ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आपको एक कलर फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा थोड़ा बढ़ा देना है। जैसे आप बढ़ाओगे तो आपके फोटो में थोड़ा सा लाइट आ जाएगा और आपका फोटो भी थोड़ा पहले से अच्छा दिखाई देगा। अभी आप नीचे आओगे तो आपका नाम लिखना है, यहाँ पे सोशल मीडिया का नाम डालना है। यहाँ पे मैं आपको नाम लिखना नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने आपको ऊपर दो तीन टेक्स्ट लिख के दिखाया कि हरदीप शुभकामनाएं, उसी तरीके से लिखना है तो आप लिख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे सोशल मीडिया का जो सेट करना है कैसे आइकन वो सब मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं प्लस के ऑप्शन क्लिक करके फ्रॉम गैलरी जाता हूँ, और यहाँ पे मैं अभी क्लोज फोल्डर में चले जाता हूँ जहाँ से मैंने बाकी का PNG ओपन किया था। चलिए मैं उस फोल्डर में चले जाता हूँ। जाने के बाद यहाँ पे मैं जो अभी के लिए व्हाट्सअप को ओपन करके दिखा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आपको व्हाट्सअप का ओपन करके दिखा रहा हूँ उसी तरीके से आप यहाँ पे कोई भी सोशल मीडिया का आइकन लगा के सेट कर सकते हो। यहाँ पे चलिए मैं अपने व्हाट्सअप का लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैं अपने व्हाट्सअप के जगह पे अपने यूट्यूब चैनल का भी यूट्यूब का लोगो लगा के मैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम भी लिख सकता हूँ, यानी आपके ऊपर है आप जैसा भी आपको अच्छा लगे कर सकते हो। और यहाँ पर मैं प्लस के ऑप्शन क्लिक करके एक नया टेक्स्ट ले लेता हूँ, और ये के ऑप्शन पर जाकर एडिट के ऑप्शन पर जाता हूँ, जो भी लिखा गया उसको मैं कट कर देता हूँ। और यहाँ पर जैसे मैं अपना व्हाट्सअप नंबर डाल लेता हूँ, यहाँ पर नंबर डाल लेता हूँ कुछ इस तरीके से। नंबर डालने के बाद डन के ऑप्शन क्लिक करके मैं ओके करता हूँ, साइज इसका मैं छोटा करके इस आइकन के आगे मैं सेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर मैं चले जाता हूँ फॉन्ट के ऑप्शन पे, जाने के बाद यहाँ मैं कोई भी एक फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी आपको फॉन्ट है वो सिलेक्ट करोगे, जो भी आपको फॉन्ट पसंद है वो सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है इसको अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आप इसमें कोई भी कलर भी दे सकते हो, कलर के ऑप्शन पे आना है, जो भी कलर पसंद है सिलेक्ट करके ऊपर राइट के ऑप्शन क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका जो ये फॉन्ट कुछ इस तरीके से आ जाएगा, तो इस तरीके से आपको इसको बना लेना है। इसी तरीके से आप यहाँ पे जो है फेसबुक का हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर का, वो सारे कुछ को ओपन, यानी सारे सोशल मीडिया का जो भी आइकन है उसको आपको ओपन करना है, और जैसे मैंने अपने इस बैनर में सेट किया वो उसी तरीके से आपको सेट करना है। इतना ही काम करना है कुछ इस तरीके से एक बैनर बनाने के लिए। यहाँ पे दोस्तों मैंने अपने हिसाब से कलर दिया हुआ है, आपको जो भी कलर पसंद रहेगा वो आप अपने हिसाब से दोगे, तो आपको जैसा लगता है वो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको जब आपका बैनर बन के पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, इसको आपको अपने गैलरी में सेव करना रहेगा। शेयर के ऑप्शन क्लिक करोगे, क्लिक करते यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे देखोगे डायमेंशन में डिफॉल्ट का ऑप्शन है, डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, यहाँ पे आपको अल्ट्रा का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, पासवर्ड 1 सेलेक्ट करने के बाद सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो भी बैनर बना रहेगा, तो यहाँ पे देखोगे जैसे मेरा बैनर अभी सेव होते हुए आपको दिखाई दे रहा है, इमेज सेव करके ऑप्शन आ चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो भी बैनर बनाए रहोगे आप अपने वो बैनर को आप अपने गैलरी में सेव कर सकते हो। अगर आप अल्ट्रा का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो आपको बैनर जो है HD क्वालिटी में सेव होगा। तो चाहिए दोस्तों आप भी कुछ इस तरीके से बैनर को डिजाइनिंग कीजिए। चलिए आज की इस नई वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।